कश्मीर क्राउन पर इस वक्त हम आपको बहुत बड़ा फ्रॉड दिखा रहे हैं, किस कदर कश्मीर में आम लोगों के पैसों को जाया किया जाता है, किस कदर यहाँ के गरीब लोगों के पैसों को जाया किया जाता है। 3 करोड़ से ज्यादा पैसा इस टैंकी पे खर्च किया गया है डारचेक इलाके में। इस वाटर रिजर्वायर पे अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। अभी ये डिफंक है, नॉन फंक्शनल है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर कैमरा पर्सन दिखाए, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसका यूज नहीं हो पा रहा है। ये आप देख सकते हैं 3 करोड़ से ज्यादा पैसे इस पे खर्च किए गए हैं, मगर अभी तक इसको काम पे नहीं लगाया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करके भी अगर हमारे गरीब लोगों तक पानी नहीं आ पाएगा तो पैसे किस बात पे आपने खर्च किए? यहाँ के मुकामी लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? जी, जो आपने इस वक्त ये टैंकी की हालत देखी है, 3 करोड़ 39 लाख इस टैंकी पे खर्चा आया है जो PHE डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है। उसके बाद एक पूरा जो इसका खर्चा आया है वो 5 करोड़ 39 लाख 74 हज़ार रुपये इस पे खर्च आ चुका है, लेकिन आज तक ये टैंकी फंक्शनल नहीं हुई है। जब PHE डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो बोलते किसी और डिपार्टमेंट के पास जाते, हर एक डिपार्टमेंट के दरवाजे आज तक हमने खटखटाए, हर एक को रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि पाँव पकड़े हम लोगों ने उनके, भाई अब तो कुछ करो, अब तो इसका काम स्टार्ट करो, अब तो ये फंक्शनल करो, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले तो हम DC साहब से अब गुजारिश नहीं कर सकते क्योंकि हम थक गए हैं, अब हम डायरेक्टली LG साहब को गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें वो इंटरफेयर करें। ये देख लीजिए कि अगर गवर्नमेंट का इतना बड़ा पैसा आया है, इतना मोटा पैसा आया है, 5 करोड़ 39 लाख और 74 हज़ार रुपए जो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इसका रिजल्ट क्या है? 0 है। यानी कि इन्होंने जो आज तक किया वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के घर भरे, जो आम जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बेचारे ऐसे के ऐसे सिर्फ हम इंतज़ार में रहते हैं कब कोई गाड़ी हलमतपुरा से ऊपर आए, हम दौड़ते कि भाई हम उनको अपना हाल दिखाएंगे, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है आज तक। लेकिन हमारे यहाँ जो ex MLA साहब थे, बशीर अहमद डार साहब, जब वो इलेक्शन के लिए आए, इलेक्शन के दौरान उसने बोला था ये सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके बाद वो 3 साल रहे, 3 साल तक उन्होंने भी नज़र नहीं दी। अब हम इतने तंग आ चुके हैं कि हम अब घरों में बंद है, कैद है, किसी को बोलने के लायक नहीं। हम आपका शुक्रगुजार है कि आज आप लोगों ने अपना कीमती समय लाया और आप लोगों ने देखा कि इसी दादचक में more than 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट हुए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट वो 0 है। तो दोस्तों, यहाँ के लोग किस कदर मुश्किलातों में हैं ये हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, और 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा अगर किसी चीज़ पे खर्च होता है फिर वो नॉन फंक्शनल रहता है, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। तो ये सिर्फ इस डारचेक हलमतपुरा की बात नहीं है, ये पूरे कश्मीर की बात है। पूरे कश्मीर में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, काम किया जाता है मगर 2 साल के बाद उस काम का नाम और निशान आप नहीं देखोगे। आप देख रहे होंगे अपने अपने हलकों में 30 लाख से ज़्यादा पैसा 1 साल के लिए आता है, प्लान्स बन जाते हैं, मगर आप पिछले 10 साल का हिसाब लगाइए, फिर आप अपने इलाके में अंदाज़ा लगाइए क्या आपके गांव में 10 लाख का काम हुआ है। 10 लाख का काम देखिए अपने हलके में अगर आपका हुआ है तो आप, हम मानेंगे कि आपके गांव में सक्सेसफुल काम हुए हैं। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। वहीद मसूदी के साथ इरफान मलिक की रिपोर्ट देख रहे थे आप।